एवरीवन, मैं हूँ मौमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज ना सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के पास बयान का चेकअप कराने। तो वो क्यों, वो मैं थोड़ी देर बाद में आप लोगों को बताती हूँ। और सैटरडे होने की वजह से आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, आप लोग देख ही सकते हो। तो बहुत लंबे टाइम के बाद हम लोग डॉक्टर के साथ मिल पाए और उसके बाद चेकअप करवाया। और अभी थोड़ा मेडिसिन वगैरह लेके हम लोग जाएंगे घर वापस। और जाते हुए ना आज वेदर काफ़ी अच्छा सा लग रहा है और थोड़ी बहुत यहाँ पे ना आपको दूर से पहाड़ों का नज़ारा जो है ना वो दिखाई भी दे रही है यहाँ पे। और कुछ सब्जियाँ मुझे लेनी थी तो रास्ते से वो भी हम लोग लेते चले गए, तो जैसे कि कैबेज और फिर कैप्सिकम वगैरह, क्योंकि आज मैं ना सोच रही हूँ कि नूडल्स बनाऊँ, मतलब चाउमीन बनाऊँ। और ये देखिए एक कितना बड़ा साइज़ का बीटरूट है यहाँ पे, इतना बड़ा साइज़ का बीटरूट का पता नहीं क्या करते हैं लोग, पता नहीं, लेकिन बहुत ही अजीब लगा मुझे देख के। तो चलिए ये खरीदना हो गया, पैक करवा लिया। की ऑक्स हेल्दी फूड का अच्छे। ऑलराइट। और घर में पनीर भी ख़त्म हो गई थी तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि पनीर भी लेते चले। और पनीर हम लोग ना क्रीम वाला पनीर ही लेते हैं, ये सिलीगुड़ी में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है अभी। और ये नॉर्मल पनीर से काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, सॉफ्टनेस में भी, टेस्ट में भी। तो ये ले लिया हमने क्रीम वाला पनीर। जस्ट अभी अभी पहुंची हूँ घर और सुबह सुबह हम लोग चले गए थे बयान को एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। तो डॉक्टर नॉर्मल से जस्ट उसको सर्दी खांसी हुई थी, तो कल रात को ना वो ज़्यादा ही खांस रहा था। और बयान के बर्थडे के रात में जो हुआ था हमारे साथ, मतलब वो सोचते ही ना गूज़बम्स आ जाते हैं, वो मैंने शेयर नहीं किया है कभी आप लोगों के साथ। तो हम लोग नहीं चाहते कि वो चीज़ दोबारा रिपीट हो, तो इसलिए कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे बयान को लेकर। और इसलिए बयान को लेके आज डॉक्टर विजिट करना था हमें, कि एक बार चेकअप करा लें कि सब ठीक है या नहीं। सो डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, मतलब चेस्ट जो है ना वो कंजेस्टेड नहीं है, सब ठीक ही है, जस्ट नॉर्मल सर्दी है। तो इसलिए डॉक्टर ने कहा घबराने वाली कोई बात नहीं, बस दो मेडिसिन दे दिया है और बस दैट्स इट। और पता है हम लोग गए थे यहाँ से 11 बजे, शायद ने आज हाफ डे की छुट्टी लिया था, तो जस्ट हम लोगों को ड्रॉप किया एंड वो चले गए ऑफिस। और हम लोग वापस आए ऑलमोस्ट 2:45 बजे। और डॉक्टर के पास जाने से पहले मैंने पूरा घर को क्लीन किया और फिर कुछ कपड़े थे जो मैंने वॉश किया, फिर मैं खुद नहा के मैं चली गई। अभी मैं पहले बयान को नहलाऊंगी और उसके बाद 30 मिनट्स बचेंगे मेरे पास, तो उस टाइम पे मुझे कुकिंग करनी है। सो 30 मिनट्स पे जो भी हो पाएगा वो मैं कुकिंग करूंगी। डॉक्टर से मैंने पूछा इस बार कि बयान को एक ही प्रॉब्लम है कि कुछ दिन बाद ना उसको सर्दी जुकाम हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि शायद उसको कोई एलर्जी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ डस्ट की वजह से उसको ऐसा हो सकता है, इसलिए बार बार हो रहा है, तो ऐसे करके बच्चा बड़ा हो जाएगा, उन्होंने ऐसा कहा। तो देखिए डस्ट तो पुराने घर में बहुत ज़्यादा थी, डस्ट थी, आटा वाला प्रॉब्लम था, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होता था उसको। यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है, उतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे डस्ट वाला प्रॉब्लम जो है ना उतना नहीं है, साफ़ सुथरा एरिया है, ज़्यादा धूल वूल नहीं होता है घर में, अच्छा है यहाँ की एनवायरमेंट। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मैं अभी बातें कम करती हूँ, पहले बयान को नहला देती हूँ, उसके बाद मुझे किचन में जानी है। कौन सा देखना है, ये वाला पोरोरो? यस, ये वाला पोरोरो। यस, बियान का आजकल फेवरेट है पोरोरो। पोरोरो, पोरोरो,
रियान को टीवी के सामने बिठा के मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि अभी मुझे फटाफट काम करनी है और वो टीवी पे बिजी रहेगा तो मैं यहाँ पे सुकून के साथ काम कर सकती हूँ। तो पहले मुझे थोड़ा सा पानी पीनी है क्योंकि एकदम से कर रही हूँ ना और गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो आने के बाद पानी भी नहीं पिया तो फटाफट पानी पी लिया। और अभी मैं फ्रिज खोल के पहले देख रही हूँ कि सब्जियों में क्या क्या है जो मैं झटपट बना सकती हूँ, अभी टाइम नहीं है। तो झटपट बनने वाला सब्जी में मैंने देखा कि काफ़ी सारी भिंडी है तो सोचा वही बना लेते हैं, और स्नेक गुड़ था लेकिन स्नेक गुड़ अगर मैं बनाऊंगी ना तो थोड़ा कम ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि भिंडी बना लेते हैं। चलिए तो ये लिया हमने भिंडी काफ़ी सारा, और पनीर भी लेके आई थी तो पनीर भी बनाऊंगी आज। पहले पनीर को बाहर निकालती हूँ, और पनीर जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही अमाउंट पे हम लोग लेके चले आते हैं, मतलब एक वीक तक हमारा चल जाता है। और विहान क्योंकि पनीर खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो इसलिए वीकली दो बार तो मिनिमम पनीर बनता ही है, एंड ऊपर से उसके टिफ़िन बॉक्स में भी पनीर के बहुत सारे आइटम्स जाते हैं, तो इसलिए पनीर हम लोग ज़्यादा करके लेके आते हैं ताकि वन वीक चल जाए। तो अभी ये ना इतना सारा मुझे अभी नहीं चाहिए, अभी मुझे पनीर भी बनानी है तो थोड़ा सा मैं स्टोर करके रखूँगी और थोड़ा सा मैं अभी बनाने वाली हूँ। तो थोड़ा काट के रख दिया कि कितना सा मुझे अभी चाहिए। तो एक टिफ़िन बॉक्स में स्टील का टिफ़िन बॉक्स लिया है मैंने, और इसमें मैंने पानी भर के इसमें मैं पनीर के जो क्यूब्स है ना जो मुझे स्टोर करनी है वो डुबो के रख दिया है कुछ ऐसे, और फिर इसको हम लोग फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे। और रेगुलर बेसिस पे मतलब डेली बेसिस पे आप पानी चेंज कीजिए तो पनीर ना आपका काफ़ी दिनों तक सही रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होएगा। तो मैं तो ऐसे ही पनीर स्टोर करके रखती हूँ, और फिर बाकी पनीर जो मुझे अभी चाहिए ना वो फटाफट यहाँ पे काट रही हूँ। और मेरे पीछे देखिए मैंने चावल भी चढ़ा दिया है ऑलरेडी, तो चावल वहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। पनीर को मैंने काट लिया है और यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है, स्टील की पैन है ना तो थोड़ा देर टाइम लगता है इसको गर्म होने में। और यहाँ पे मैं भिंडी को निकाल रही हूँ, तो काफ़ी सारा भिंडी है, हमारा दो वक्त का हो जाएगा। तो पहले भिंडी को वॉश कर लेते हैं। चलिए वॉश कर लिया है भिंडी को, अभी इसका पानी थोड़ा सा झड़ जाए, और तब तक मैं यहाँ पे पनीर जो है ना वो यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ शैलो फ्राई, और साइड में यहाँ पे मैं भिंडी को भी चॉप कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा जल्दी में थी इसलिए मैंने रेसिपी वगैरह शूट नहीं किया, सिंपल सा पनीर बनाया है मैंने, आलू वाला पनीर जो एकदम मतलब प्योर वेज स्टाइल में बनता है, प्याज बिना गार्लिक के, बस अदरक जीरा थोड़ा सा मसाला डाल के मैंने बनाया है हल्का पतला सा, यही खाने का आज मन कर रहा था तो वही वाला बनाया है। और ऑलमोस्ट पक ही गया है, और थोड़ा सा अभी मैं और इसको पकाऊंगी ताकि पनीर के अंदर सारा जो फ्लेवर है ना वो चला जाए, और ग्रेवी में थोड़ा सा और सुखाने वाली हूँ। और ये रहा भिंडी जो बन रहा है, और शेखत क्योंकि अभी अभी गए हैं ना काम पे तो वो नहीं आएंगे अभी लंच पे, तो इसलिए मैं और बियान दोनों एक साथ लंच कर रहे हैं। बियान को मैंने स्पून दे दिया खाना खाने के लिए और मैं अपने हाथों से खाना खा रही हूँ। खाबे ना, हाँ खुली कोड़े फेल दो, गुड जॉब। वियान अभी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, और वियान आज हम लोग क्या डिनर खाएंगे? नूडल्स। वियान चाउमीन नहीं बोल रहा है बिकॉज चाउमीन का मतलब वियान के लिए है सेवई। आज नूडल्स बनाएगा मम्मा, मम्मा नूडल्स बनाएगी।
ओके चलिए बनाते हैं। पहले राइटिंग फिनिश करो उसके बाद हम लोग बनाएंगे। ओके नूडल्स के लिए ना मेरे पास ऑलरेडी चिंग का वेज हक्का नूडल्स का पैकेट है तो मैं यही बनाने वाली हूँ। लेकिन अगर आपको चाउमीन बनानी है ना तो आप ना नॉन ब्रांडेड वाला जो लोकल वाला आता है ना वो सबसे ज़्यादा बेटर है, वो ही वाला बनाइए। एकदम वाइट पतला पतला थिन सा आता है और इसके लिए मैंने कुछ सब्जियाँ लिया है जैसे कि कैरेट कैबेज बीन्स और कैप्सिकम। तो एक एक करके मैं सबको जूलियन शेप में चॉप करने वाली हूँ। मैं कर रही हूँ सब्जियों को चॉप और इनको देखो ये महाशय क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, ये कहाँ से लेके आ गए? घर को क्लीन करना। घर को अच्छा हिंदी बोल लेते हो, बंगाली सीख लिया, इंग्लिश सीख लिया, अभी हिंदी भी सीख रहे हो। हाँ हाउस में क्लीन करना, अच्छा इस उम्र में तुमको तीन तीन लैंग्वेजेस आते हैं, अच्छी बात है। पूरा घर उसने साफ कर दिया। सब्जियों को हमने चॉप कर लिया है और साथ में कुछ प्याज भी चॉप कर लिया है तो चलिए अभी बना लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, बॉयल हो गई है तो थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल दिया। अभी मैं ये जो नूडल्स का केक है ना वो यहाँ पे तोड़ के डाल रही हूँ। आप बिना तोड़े भी डाल सकते हो जैसा आपको पसंद है। मैं एक ही तोड़ती हूँ क्योंकि मुझे नूडल्स का लंबा लंबा स्ट्रैंड ही अच्छे लगते हैं। तो अभी इसको 3-4 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए देना है। उसके बाद नूडल्स को निकाल के मैंने ठंडा पानी से रिंस करके उसको छानने के लिए रख दिया है। और हॉट पैन में मैंने तेल डाला है, फिर डाला है 1 चम्मच के करीब एकदम फाइनली चॉप किया हुआ गार्लिक और इसको हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। और अभी प्याज को भी सॉटे करेंगे सबसे पहले, और सॉटे करने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे सारे जो वेजीज है ना वो। कैप्सिकम आप चाहे तो बाद में भी ऐड कर सकते हो लेकिन मैंने सब कुछ एक साथ चॉप कर दिया है। और सब कुछ ना आपको हाई फ्लेम में करनी है, कुकिंग करने से पहले सब कुछ आपको हाथों के सामने रेडी रखना चाहिए। तो फिर ये कुकिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस सब कुछ अच्छे से रेडी करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपको। और सीजनिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल रही हूँ यहाँ पे, बस दैट्स इट। और आपको हाई फ्लेम में इसको 3-4 मिनट के लिए चलानी है और इसको ना क्रंच रखने देना है। आप मीडियम मत कीजिए फ्लेम या फिर लो मत कीजिए वरना ये सॉगी हो जाएगा। और मैंने थोड़ा सा ओवर कुक किया है क्योंकि मेरा बच्चा भी खाएगा, वो चबाता थोड़ा कम है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कुक किया है। आपको इतना ज़्यादा कुक नहीं करना है। और अभी चलिए सॉस मिलाते हैं। तो डार्क सोया सॉस मैं मिला रही हूँ इसमें और फिर ग्रीन चिली सॉस आपको डालनी है यहाँ पे। और बस इन दोनों को मिक्स करने के बाद सब्जियों के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और मेरे पास ना रेड चिली सॉस है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेड चिली सॉस भी डाल देता है, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें ना चाहे तो मत डालें, कोई बात नहीं फाइन। और सब्जियों के साथ अच्छे से मिला रही हूँ। और टमेटो केचप तो आई थिंक सबके घरों में ही होता है तो थोड़ा सा टमेटो केचप भी यहाँ पे ऐड कर दीजिए। टमेटो के जब भी मैंने ऐड कर दिया और सॉस ना मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैंने नहीं डाला है। तो अभी सॉस भी अच्छे से पक गई है, सॉस को पकाना भी ज़रूरी है। तो सॉस पकने के बाद हम इसमें डालेंगे नूडल्स, और नूडल्स का स्ट्रैंड ना ऐसे बिखर बिखर के ऐड कीजिए। और फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, नूडल्स को अभी सब्जियों के साथ अच्छे से मिलानी है। तो मैंने ना कुछ ज़्यादा ही नूडल्स बॉयल कर दिया ऐसा मुझे लग रहा था ना, दोनों हाथों से मिलाइए। तो मैंने एक फॉक का भी हेल्प ले लिया और अभी ना मैंने विहान का नूडल्स अलग कर दिया क्योंकि अभी मुझे इसमें और ट्विस्ट डालनी है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी सेजवान चटनी, 2 चम्मच भर के सेजवान चटनी मैं ऐड कर रही हूँ। सेजवान चटनी तीखा होता है तो इसलिए मैंने व्यान का अलग से निकाल लिया पहले ही, और अभी सेजवान चटनी इसमें ऐड करेंगे, बस ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अच्छे से मिलाने के बाद दिस इज द फाइनल रिजल्ट, आवर वेज चाउमीन इज रेडी। वियान का खाना हो गया, कैसा लगा? टेस्टी। वियान बार बार मुझे बोल रहे मम्मा टेस्टी, सो टेस्टी, बहुत अच्छा लगा। यस, बहुत अच्छा लगा।
कुछ भी याद रहता ना, मैं मंथली एक दिन चाउमीन तो बनाती थी, लेकिन विहान होने के बाद ना मैं ये सब ज़्यादा बनाती नहीं हूँ घर में, क्योंकि बच्चे को हेल्दी खाने का आदत डालनी चाहिए, है ना। अगर हम लोग ही अनहेल्दी ज़्यादा खाएंगे तो वो भी खाएगा, तो इसलिए ये सब ज़्यादा बनता नहीं है, लेकिन आज बना है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था चाउमीन, अगर आपको पसंद आया ना देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।